आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल खट्टा मीठा चटपटा पोहा चूड़ा नमकीन। इस नमकीन को जब आप घर पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट से आधे रेट पर बनेगा, और इसे आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, चाय के साथ भी बना सकते हैं, और हल्की फुल्की भूख में बच्चों के भी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है तो बच्चों के लिए तो एकदम हेल्दी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम खट्टा मीठा नम तीखा इसका मसाला तैयार कर देंगे। तो मैंने आधा चम्मच ले लिया है चाय का मसाला, और एक चौथाई चम्मच डालेंगे हम इसमें सौंफ का पाउडर, एक चौथाई डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर भुना हुआ, और एक चौथाई डालेंगे हम इसमें चम्मच हल्दी पाउडर का, और एक चौथाई चम्मच डालेंगे हम इसमें पिसी लाल मिर्च, और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च हम इसे सिर्फ रंग के लिए डाल रहे हैं। दो चम्मच डालेंगे हम इसमें पिसी हुई चीनी, और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक। अब इस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, तो अच्छा हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, और ये मैंने पोहा ले लिया है, तो जिसे हम नाश्ता बनाते हैं ये वही वाला पोहा है। इसको मैंने अच्छे से छान कर ले लिया है। अब इस तरह की मैंने एक छन्नी दे दी है, तो हम इसमें पोहा डालकर फ्राई कर लेंगे, जिससे कि हमारा तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और तेल को हमें हाई फ्लेम पे ही गरम करना है, अच्छा तेज़ गरम करना है। तो ये देखिए हमारा पोहा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसी तरह से हम सारा पोहा फ्राई कर लेंगे, और इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए सारा पोहा फ्राई हो गया है, मैंने इसे बड़े बर्तन में निकाल लिया था। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा है, हम एक से डेढ़ चम्मच इसमें मसाला डाल देंगे, ताकि पोहा गर्म है तो उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए डालते ही इसमें कलर आने लगा है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे रखेंगे साइड पे, और दूसरी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। इसी में डाल दिए हैं मैंने आधा कटोरी मूंगफली के दाने, अच्छे से जब तक कि ये चटकने नहीं लगते जब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मूंगफली भी फ्राई हो गई है। तो अब हम मूंगफली को भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने पोहा रखा है। अब मैंने ये खोपरे के बड़े बड़े पीस करके ले लिए हैं, काट कर ले लिए हैं। अब इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारा खोपरा भी फ्राई हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब ये ले लिए हैं मैंने 10-15 बादाम, और 10-15 ही काजू ले लिए, तो काजू के 2-2 पीस कर लिए थे मैंने, और बादाम को साबुत ले लिया है, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए काजू और बादाम दोनों अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये भी निकाल लेंगे। अब ये ले लिए हैं मैंने 2 चम्मच के बराबर तरबूज के बीज, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, तो ये बहुत जल्दी से ही फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए कितने जल्दी फ्राई हो गए। अब ये मैंने 2 हरी मिर्च ले लिए, अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे, और इसके साथ ही डाल देंगे हम इसमें करी पत्ता। तो ये देखिए ये भी फ्राई हो गया है अच्छे से। तो ये देखिए सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब हम डालेंगे हम इसमें ऊपर से जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो ये देखिए सारी चीज़ों पे कितना अच्छा कलर आ गया है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। ये हमारा चूड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब चूड़े को मैंने ठंडा कर लिया है, अब डालेंगे हम कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में। आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारा खट्टा मीठा चटपटा नमकीन। इसको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, 5 मिनट का ही टाइम लगा है बस इसे बनने में।